आजकल बिजनेस स्कूल्स कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मिलकर अपने छात्रों की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्षों के विमर्श और वाद विवाद के बाद भारतीय शैक्षणिक संस्थाएं औद्योगिक घरानों से चोली दामन का संबंध बनाने में लगी हुई हैं। यहाँ मैनेजमेंट के छात्र अपनी शोध कंपनीज के नुमाइंदों और विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को एक्चुअल इंडस्ट्री में क्या प्रैक्टिसेस हैं उससे एक्सपोज करना, और इसके लिए बच्चे इंडस्ट्री को कांटेक्ट करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस एरिया में वो रिसर्च करवाना चाहते हैं। तो मुख्य उद्देश्य होता है कि इंडस्ट्री उनको रिसर्च प्रोजेक्ट्स देते हैं, बच्चे उस रिसर्च प्रोजेक्ट को इंडस्ट्री से एक मेंटर और हमारी फैकल्टी में से एक मेंटर, इन दोनों के गाइडेंस में ये रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं। और फिर इस फंक्शन में, इस कन्वेंशन में, स्टूडेंट्स एज वेल एज फैकल्टी एंड द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, दे ऑल कम टुगेदर टू डेलिबरेट अपॉन व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च। छात्र कंपनीज की पॉलिसी, मार्केट ट्रेंड, नई एचआर पॉलिसी और उसका इम्पैक्ट, कंज्यूमर बिहेवियर से जुड़े विषयों पर शोध कर उसके परिणामों से कंपनीज को अवगत कराते हैं। यहाँ सोशल मीडिया थीम के अंतर्गत कई औद्योगिक घरानों के लिए शोध किया गया है। दिस कन्वेंशन हैज अ कोर ऑफ रिसर्च। It started off as a research convention in which companies partner in with us, provide us some research projects on which they would like the research to be done. Students of MDI conduct a 2-month research, and after 2 months, a presentation is held during the event. That is what the core of Delphic is all about. We have worked with Airtel, which is our partner for marketing and communications panel, and our research is based on the recent product that they've come out with, Airtel Money, which has also won the Best Innovation Award in Telecom Operators Award by Tele.net. So we're working on that, and our objective was to accelerate the consumer adoption process through the use of social media practices. We identified the different multi-channels, the multiple channels that banks or insurance or companies are using to engage different customers. So for example, we have internet banking, mobile banking, then you have branch banking, then Yes Bank has come up with touch points, Yes Touch, and all these platforms. So how do you integrate these platforms to reduce cost for the company, provide better customer experience, better service for the customers, and so on. So channel optimization, integration of all the channels, channel specialization. So all this was our focus for the research. शोध के जरिए कंपनीज शैक्षणिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता तो प्रदान करती ही हैं। इसके अलावा छात्रों के अध्ययन के दौरान उन्हें प्रैक्टिकल अनुभव भी मिलता है। लिंक्डइन और फेसबुक को रिक्रूटमेंट में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें क्या क्या और किया जाना चाहिए जिससे उनका रिक्रूटमेंट पूल बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग और रेलेवेंट टैलेंट पूल इंटरेस्ट ले कंपनी में। तो एचआर की कंपनियां इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, इच्छुक होती हैं। तो एचआर के बच्चों को ये पता चलता है कि ये कौन से नए ट्रेंड्स हैं रिक्रूटमेंट के, कौन से नए ट्रेंड हैं टैलेंट मैनेजमेंट के, जिसके बारे में उनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलता है, और कंपनी से वो जुड़ने के बाद उससे एचआर के बच्चों को भी काफ़ी लाभ होता है। तो कंपनी अपने प्रैक्टिसेस में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ये एक वो किताब में पढ़ते हैं और दूसरा वो कंपनियों के साथ जुड़ते हैं। एक फायदा होता है जो कि रिसर्च के रिजल्ट के द्वारा पता चलता है, दूसरा लाभ इन्हें होता है कि इन एक्टिविटीज के द्वारा इनकी खुद की नेटवर्किंग होती है कंपनी के बड़े सीनियर ऑफिशियल्स के साथ।
आज औद्योगिक क्षेत्र की ये शिकायत होती है कि शैक्षणिक संस्थानों से निकलने के बाद करीब 40% छात्र ऐसे होते हैं जो नौकरी के योग्य नहीं होते, लेकिन ऐसे प्रयोगों से ये शिकायत जरूर दूर होगी।